तो MG की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया, जिसको उसने नाम दिया है कॉमेट, उसके लॉन्च से पहले ही उसकी काफी डिटेल बेसिकली ब्रोशरी लीक हो गया है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए MG यहाँ पे एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने जा रही है कॉमेट नाम से। वैसे तो ये 2-डोर एंड 4-सीटर कार होने वाली है एंड ये काफी कॉम्पैक्ट एंड साइज होगी। तो MG का यहाँ पे मेन टारगेट बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड चेन्नई जैसे शहर हो सकते हैं, जहाँ पे रोड पे काफी ज्यादा ट्रैफिक एंड पार्किंग की प्रॉब्लम को देखते हुए ये गाड़ी लोग काफी पसंद कर सकते हैं। एंड जैसा कि ये EV है तो यहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल पे उतना पैसा भी नहीं खर्च करना होगा, तो काफी चीप भी होगी ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो MG आने वाले 26 अप्रैल को इसके प्राइसेस एंड डिटेल्स अनाउंस करने वाली थी, बेसिकली इस कॉमेट को लॉन्च करने वाली थी, बट उससे पहले यहाँ उसकी सारी डिटेल्स लीक हो गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टाइलिंग, डिजाइन एंड डायमेंशंस के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आपको बताया था कि जो MG की अपकमिंग कॉमेट EV है, ये जो वुलिंग एयर EV आती है, जस्ट उसी का एक रेप्लिका है जो यहाँ पे इंडिया में कॉमेट नाम से MG सेल करने वाली है। तो अगर आप इसका ओवरऑल लुक एंड डिजाइन देखोगे तो काफी एक खिलौने जैसी गाड़ी लगेगी। तो कई लोगों को ये पसंद आ सकती है और मे बी कई लोगों को ये पसंद ना भी आए। बाकी अगर इसके डिजाइन को हम देखें थोड़ा डिटेल में, तो इसमें फ्रंट में आपको क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पे फुल विड्थ के LED स्ट्रिप दे रखी है, स्लीक हेडलैम्प्स हैं एंड प्रोमिनेंट बम्पर दे रखा है। उसके साथ ही यहाँ पे जो इसके डोर्स का साइज है वो कंपैरेटिवली काफी लार्ज है, साथ ही यहाँ पे इसको स्पोर्टी अलॉय व्हील्स भी दे रखे हैं एंड जो इसका रियर सेक्शन है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फ्लैट है। एंड जो इसमें टायर साइज ऑफर कर रहे हैं वो 145/70 विद 12-इंच व्हील्स। एंड फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, वहीं रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाएंगे। एंड वहीं अगर इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस को, तो यहाँ पर टोटल 4 कलर ऑप्शंस MG इस EV कॉमेट में ऑफर कर रही है, जिनके नाम है बीच बे ब्लू, सेरेनिटी ग्रीन, सनडाउनर ऑरेंज एंड फ्लेक्स रेड। एंड अपनी इस EV कॉमेट को थोड़ा और ट्रेंडी और बेसिकली क्वर्की बनाने के लिए आप चाहो तो कुछ स्टिकर्स या फिर लिट पैक्स में से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी सारे स्टिकर्स ऑप्शन यहाँ पे MG ऑफर कर रही है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे यूथ, नाइट कैफे, डे ऑफ डेड, स्पेस, ब्लॉसम, फ्लोरेस्टा एंड द लास्ट वन इज अगेन स्पेस। उसके अलावा जो नीचे कॉमेट लिट पैक दे रखा है, तो जैसा कि बीच बे पैक हो गया, सेरेनिटी पैक हो गया, सनडाउनर पैक हो गया एंड फ्लेक्स पैक। फिलहाल बात करें अगर हम इसके डायमेंशंस की, तो MG की इस कॉमेट EV की जो लेंथ है वो 2974 mm है, वहीं इसमें 1505 mm की विड्थ मिल जाएगी एंड ये 1640 mm टॉल है। साथ ही जो इसका व्हील बेस है वो 2010 mm है एंड जो इसका टर्निंग रेडियस है वो 4.2 मीटर का है। एंड ये जो टर्निंग रेडियस है, यही इस गाड़ी में मुझे एक सबसे अच्छी चीज लग रही है कि आपको पार्किंग हो गई या फिर काफी कंजेस्टेड रोड में अगर कभी गाड़ी चलानी है, कहीं लेकर के जाना है, तो आपको उतना ज्यादा सोचना नहीं है, तो बस इसको उठाओ और लेकर के निकल लो। एंड बढ़े अगर इसके एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ, तो जैसा कि ये MG की कार है तो इसका जो सबसे प्लस पॉइंट होने वाला है वो इसका इंटीरियर और इनसाइड का केबिन। तो उसमें आपको फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कुछ मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी फॉर टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड डिजिटल क्लस्टर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, वन टच साइड एंड रिक्लाइनर पैसेंजर सीट मिल जाएगा फॉर सेकेंड रो एंट्री, साथ ही इंटेलिजेंट की मिल जाएगी, कीलेस एंट्री होगा, स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम होगा, पावर एडजस्टेबल ORVMs दिए जाएंगे, टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा, फ्रंट में आपको पावर विंडोज दिए जाएंगे, ड्राइवर विंडो ऑटो अप होगा, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट हो गया, 3 USB पोर्ट दिए जाएंगे विद फास्ट चार्जिंग, जो गाड़ी का पूरा इंटीरियर होगा वो ग्रे कलर में होगा, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, PVC लेयरिंग होगी ऑन डोर ट्रिम्स, फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री होगी, रियर की जो सीट होगी उसको आप 50-50 में स्प्लिट कर पाओगे एंड जो इनसाइड डोर हैंडल्स होंगे उन पे क्रोम दिया जाएगा। एंड अब अगर बात करें इसके अंदर मिलने वाली बैटरी की, तो इसमें हमारे को 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी ऑफर की जाएगी जो कि 42 PS की पावर जनरेट करेगी एंड 110 Nm ऑफ टॉर्क, एंड ये हमारे को टोटल 230 किलोमीटर का रेंज देगी एक सिंगल फुल चार्ज में। एंड जब आप इसको चार्ज करोगे तो ये 0 से 100% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 7 घंटे लेगी एंड वहीं 10 से 80% चार्ज होने में 5 घंटे जब आप इसको 3.3 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे। तो 230 किलोमीटर की रेंज और लगभग 7 घंटे चार्ज होने के लिए एक अच्छी डील है अगर आपको ये गाड़ी सिर्फ शहर शहर में बेसिकली चलानी है। एंड अब अगर बात करो इसमें मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स ऑफर किए जाएंगे, IP67 रेटेड बैटरी ऑफर की जाएगी, ABS विद EBD हो गया, रिवर्स में आपको पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाएगा विद पार्किंग सेंसर्स,
साथ ही एलईडी रियर फॉग लैंप्स ऑफर किए जाएंगे, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलेंगे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इसकी बैटरी और रेंज को देखते हुए मुझे लग रहा है टाटा टियागो की जो ईवी है वो इसमें एकदम डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है मार्केट में। तो अगर पर्सनली मेरे को टाटा टियागो की ईवी और ये इस एमजी की कॉमेट ईवी में कोई चूज करनी हो तो मैं थोड़ा टियागो ईवी के साथ जाना चाहूंगा। द रीजन इज कि वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा सेफ लग रही है, बिकॉज भले छोटी सी गाड़ी है आप हल्के चलाओ, बट अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है और वो इम्पैक्ट होता है तो ये इतनी छोटी है कि मुझे लगता है कि इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर को डैमेजेस हो सकते हैं। उसके अलावा ये कंपेरेटिवली टाटा की टियागो ईवी से महंगी होगी जब इसको एमजी लॉन्च करेगी। खैर एग्जैक्ट प्राइसेस इसके लॉन्च के बाद ही पता लगेंगे, तो इसके लॉन्च के बाद इन दोनों के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो फिर मैं चैनल के ऊपर लेकर के आऊँगा। तो फिर क्या राय है आपकी इस कॉमेट ईवी को लेकर के कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नया हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।